हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। होम फूड जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन बनाते हैं स्पेशल तीन तरह की खीर। सबसे पहले लेंगे एक कप चावल, आधा लीटर दूध, गुलाब कतरी, गुलाब की पत्तियां, बादाम, काजू, मावा, इलायची, शक्कर। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देते हैं और इधर जार में एक कप दूध लेंगे, उसमें गुलाब की पत्तियों को डालेंगे और गुलाब कतरी को डालकर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमारी गुलाब कतरी और गुलाब की पत्तियाँ ग्राइंड हो चुकी है, इधर दूध भी उबल गया है। अब इसमें अपन डालेंगे एक कप चावल, उसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर उसमें डालेंगे इलायची, धीमी आंच पे इसको बॉईल होने देंगे। उसमें डालेंगे मावा, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे चावल और दूध अच्छी तरह से आपस में मिल चुके हैं। अभी थोड़ी देर और इसको पकने देंगे। इसमें डालेंगे शक्कर, शक्कर आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, शक्कर को भी चावल के साथ मिलने देंगे और इसमें डालेंगे काजू और थोड़े बादाम और इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे खीर को पकने देंगे। हेलो, खीर के लिए हम थोड़ा सा कस्टर्ड लेंगे और केसर लेके उसको थोड़े से दूध में मिक्स करेंगे। ये हमारे येलो खीर का बैटर तैयार हो चुका है और जितने हमारी खीर भी पक चुकी है। इसमें काजू बादाम और डालेंगे। देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। इसको थोड़ी देर ठंडे होने के बाद इसको निकालेंगे, इसके तीन हिस्से करेंगे। एक हिस्से से हम गुलाबी खीर बनाएंगे, जो हमने बैटर बना के रखा था वो इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमारी गुलाबी खीर का कलर कितना सुंदर आया है। ये हमारी गुलाबी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब एक बॉल में वाइट खीर को निकालेंगे। ये हमारी वाइट खीर बन गई। अब हम येलो खीर का जो बैटर बना के रखा था वो इसमें डाल के थोड़ी देर पकाएंगे इसको, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हिलाते हुए पकाएंगे। अब देखिए ये हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको एक बॉल में निकालेंगे। ये हमारी येलो खीर बन के तैयार हो चुकी है। खीर को काजू बादाम से गार्निश करेंगे और गुलाबी खीर को गुलाब की पत्तियों से गार्निश करेंगे और वाइट खीर को काजू से गार्निश करेंगे। देखिए हमारी तीन तरह की स्पेशल खीर तैयार है। एक वैलेंटाइन खीर, इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और एक बसंत पंचमी खीर, और एक हमारी वाइट खीर। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।